अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं रुखसानाज किचन और मैं हूं आपकी मेज़बान रुखसाना अनवार। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मज़ेदार भिंडी चिकन का सालन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह तैयार होती है। तो फ्रेंड्स भिंडी चिकन बनाने के लिए हमने आधा किलो भिंडी ले लिए, इसको इस तरह काट लेना है। इसके अलावा हम 1 टीस्पून सूखी धनिया इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली। इसके अलावा हमने 1 किलो चिकन लिया है, 2 अदद हमने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 1 टीस्पून हम पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 4-5 अदद हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे, 1 अदद हम इसमें लीमू ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और 3 अदद हमने इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम भिंडी फ्राई कर लेंगे आयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से हिलाना ताकि हमारी भिंडियाँ टूटे ना। थोड़ा सा इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। और 1 अदद इसमें लीमू ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी भिंडियाँ अच्छी तरह फ्राई हो गई, अब हम इन्हें आयल से अलग कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये निकाल के फिर हम चिकन का मसाला तैयार करेंगे। हमने फ्राई करके अलग कर ली हैं, अब हम इस आयल में 2 अदद प्याज ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याजों को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स प्याज हमारे फ्राई हो गए, आप चिकन ऐड करेंगे।
फ्रेंड्स चिकन और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, कुछ देर दम देकर पकाएंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए, अब हम दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह चिकन और टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इसमें रेड चिली, साल्ट, अब 5 मिनट में तमाम मसालों को अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स चिकन और तमाम मसाले अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। हम फ्लेम स्लो करेंगे और इसमें दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर तक हम इसको दम पे लगा के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू और इतना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन और तमाम मसाले अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है भिंडी का और ये टूटी नहीं है। नींबू मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और इसको आहिस्ता से अब हम मिक्स करेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। अब थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से ऐड करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 4-5 मिनट तक हम दम पे लगा के इसको छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए, अब हम दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।